हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो डायनेमिक ऑफ मशीन में यूनिट वन में हम पढ़ रहे थे पार्ट फोर, जिसमें हम पढ़ेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो ये फिगर दिख रहा है, ये इसका जो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हमें डिनोट कराता है टर्निंग मोमेंट, एंड ये हॉरिजेंटल वर्टिकल जो है ये बता रहा हमें क्रैंक एंगल, कितने एंगल पे हमारा टर्निंग मोमेंट कितना हो रहा है, ये फिगर हमें यही बताएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है? सिंगल साइलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए। तो देखते हैं, अ टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंगल साइलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। द वर्टिकल ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द टर्निंग मोमेंट, दिस वर्टिकल ऑर्डिनेट, एंड द हॉरिजेंटल ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द क्रैंक एंगल, दिस हॉरिजेंटल ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द क्रैंक एंगल। हियर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, नाउ द टर्निंग मोमेंट ऑन द क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट में जो टर्निंग मोमेंट बनेगा उसका फॉर्मूला बनता है टर्निंग मोमेंट का, टाउ टर्निंग मोमेंट टी कैपिटल टी इज इक्वल टू एफ पी, जो फोर्स उस पर एक्सियल फोर्स एक्ट हो रहा है, इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसका स्पेशल फॉर्मूला जो है ये है, टी इज इक्वल टू एफ पी इन टू आर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टर्निंग मोमेंट ऑफ ऑन द क्रैंकशाफ्ट का, वेयर एफ पी क्या है पिस्टन एफर्ट और जो फोर्स बोल रहे हैं, आर क्या है रेडियस ऑफ क्रैंक, एन क्या है रेशियो ऑफ क्रैंक शाफ्ट रॉड लेंथ एंड द रेडियस ऑफ क्रैंक, दैट इज एन किसे डूंड करते हैं एल अपॉन आर से। ठीक है, थीटा क्या है हमारा एंगल टर्न बाय द क्रैंक फ्रॉम लोअर डेड सेंटर, सॉरी इट्स द थीटा इज द एंगल टर्न बाई द क्रैंक फ्रॉम इनर डेड सेंटर। ठीक है, ये हमारा है थीटा। नाउ अब इसे समझते हैं थोड़ा, ये एक्चुअली ये ग्राफ बना है तो ये कैसे ग्राफ बना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानो, ये जो ग्राफ लाइन आपका दिख रहा है zigzag में, इसके अंदर का एरिया मीन्स दिस एरिया, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए बी स्मॉल बी सी और ये सी, इस कर्व के अंदर जो एरिया है और इस कर्व के अंदर जो एरिया है, ये एरिया हमारा रिप्रेजेंट करता है वर्क डन पर रिवॉल्यूशन, मींस ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड। ठीक है, इन स्ट्रोक आउट स्ट्रोक इन स्ट्रोक पर रिवॉल्यूशन में पर हम जानते हैं कि हर एक रिवॉल्यूशन का एक ग्राफ बनता है। ठीक है, तो वो ग्राफ के अंदर कर्व का जो अंदर का जो पोर्शन है, जो अंदर का एरिया है, डेट इज माई वर्क डन। ओके, अब ये ग्राफ का ये जो कर्व बना है ये कैसे बना है ये देखते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, जब आपका क्रैंक एंगल 0 डिग्री पे है तब आपका टर्निंग मोमेंट भी कितना है 0 है, और जब आपका क्रैंक एंगल 90 डिग्री पे मूव हो रहा है उस अपने पर्टिकुलर पोजीशन से, तब आप देख रहे हैं कि टर्निंग मोमेंट आपका कितना है मैक्सिमम है टी मैक्स। ओके, और नाउ जब आपका क्रैंक फिर 180 डिग्री पे रोटेट होता है तब आप देखते हो कि आपका टर्निंग मोमेंट क्या हो जाता है फिर 0 हो जाता है। फिर 270 डिग्री पे क्रैंक आपका टर्निंग मोमेंट कितना होता है मैक्सिमम, एंड 360 डिग्री पे क्रैंक जब होता है तब आपका टर्निंग मोमेंट वापस 0 आता है। ऐसे में आपका एक ग्राफ बना। देखो पहले 0 डिग्री पे था तो टर्निंग मोमेंट 0, 90 पे गया तो टर्निंग मोमेंट मैक्सिमम, फिर 180 पे आया टर्निंग मोमेंट 0। तो ये जो वन कर्व है दैट इज इन आउट स्ट्रोक, मींस आपका जो पिस्टन था वो टीडीसी पे गया। नाउ फिर यहां से जो कर्व बना आपका पिस्टन मींस बीडीसी पे आया। ऐसे हम यहां पे आउट स्ट्रोक और इन स्ट्रोक लिखकर काम कर रहे हैं, अगर हमारा जो इंजन है हॉरिजॉन्टल पे रखा हो तो। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसमें एक चीज और आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा, जब आपका टर्निंग मोमेंट पॉजिटिव है मींस मैक्सिमम है तब इसका जो क्या बोलते हैं उसे टॉर्क रेजिस्टिंग मीन रेजिस्टिंग टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, हमेशा जो आपका जो टर्निंग मोमेंट है वो टॉर्क रेजिस्टिंग से हमेशा क्या होगा ज़्यादा होगा। जब टर्निंग मोमेंट आपका पॉजिटिव होगा तब आपका टॉर्क रेजिस्टिंग मीन से हमेशा क्या होगा ज़्यादा होगा, और जब आपका टर्निंग मोमेंट निगेटिव होगा मीन्स दिस पार्ट, तब आपका क्या होगा
टॉर्क मीन रेजिस्टेंस से, टॉर्क मीन रेजिस्टेंस आपका टर्निंग मोमेंट से ज़्यादा होगा। आप ये देखो, ये लाइन की जो है ये रिप्रेजेंट कराता है मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव टर्निंग मोमेंट, इसके नीचे वाला पार्ट निगेटिव टर्निंग मोमेंट। ओके, नाउ सेकंड, इसके अगले पेज में हम देखते हैं जो मैंने आपको बताया वहाँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ नोट में क्या लिखा है, व्हेन द टर्निंग मोमेंट इज पॉजिटिव मींस व्हेन द इंजन टॉर्क इज मोर देन द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। मीन रेजिस्टिंग के लाइन से ऊपर की ओर जो कर्व बना था हमारा, मींस वो टर्निंग मोमेंट कैसा था, पॉजिटिव था। एज सोन बिटवीन पॉइंट बी एंड जो पॉइंट हमने दिखाया था उसमें, द क्रैंक शाफ्ट एक्सीलरेट एंड द वर्क इज डन बाय द स्टीम। वर्क इज डन बाय द स्टीम, पिस्टन पे आपका वर्क हो रहा है, ठीक है। मींस स्टीम के कारण आपका पिस्टन पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो टर्निंग मोमेंट हमारा पॉजिटिव। और टर्निंग मोमेंट हमारा निगेटिव कब होगा, व्हेन द टर्निंग मोमेंट इज निगेटिव व्हेन द इंजन टॉर्क इज लेस देन द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क एज शोन बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, द क्रैंक शाफ्ट रिटार्ड एंड द वर्क इज डन ऑन द स्टीम। मींस जब आपका टर्निंग मोमेंट निगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, आपका पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जा रहा है। मींस स्टीम को क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है। मींस क्या कर रहा है, स्टीम को वर्क ट्रांसफर कर रहा है। दिस मींस नेगेटिव टर्निंग मोमेंट ये हो रहा है। नाउ इफ कैपिटल टी इज द टॉर्क ऑन क्रैंकशाफ्ट इन एनी इंस्टेंट एंड टी मीन इज द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क, देन एक्सीलरेटिंग टॉर्क ऑन द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इंजन इज इक्वल टू कैपिटल टी माइनस टी मीन, ठीक है। Now if capital T turning moment minus mean resisting mean resisting torque is positive, this means flywheel accelerate। अगर आपका turning moment आपका जो capital T है T mean से ज़्यादा है, this means flywheel को accelerate, आप means flywheel को आप power दे रहे हो, ठीक है। अगर आपका turning moment निगेटिव, टर्निंग मोमेंट माइनस टी मीन इज निगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, फ्लाई व्हील आप पिस्टन को एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन था हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम के लिए, ठीक है। बस इतना ही था, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बस हमें इसे कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में बस इसका कॉन्सेप्ट पूछ देता है कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाइए और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आ रहा हो इस डायग्राम में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।